चुनाव परिणाम आने में भले ही अभी एक दिन शेष हो, लेकिन मुंगेली में बीजेपी समर्थक अपने प्रत्याशी अरुण साहू को अभी से ही जीत की बधाई देने लगे हैं। दरअसल एग्जिट पोल में जिस तरह से देश में बीजेपी की सरकार और बिलासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरुण साहू को जीतने का अनुमान लगाया गया है, उसके बाद से अरुण साहू के गृह जिला मुंगेली में चुनाव परिणाम आने के पहले ही खुशी का माहौल देखा जा रहा है। यही वजह है कि अब उनके समर्थक खुलकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी अरुण साहब से खास बातचीत की स्वराज्यवक्ता रोहित कश्यप ने। परिणाम आने में भले ही अभी एक से दो दिन शेष है, लेकिन मुंगेली में अभी से ही जीत का माहौल देखने लगा है, खासकर बीजेपी में। यहाँ बीजेपी के जो समर्थक है वो अभी से ही अपने प्रत्याशी यानी कि अरुण साहू को जीत की बधाई दे रहे हैं। ये बधाई न सिर्फ मौखिक रूप से बल्कि अब बैनर पोस्टरों में भी देखा जाने लगा है। आपको बता दें कि मुंगेली के कई चौक चौराहों पर अब बैनर पोस्टर लगाकर अरुण साहू जी को बधाई जीत की बधाई दे रहे हैं, वो भी ऐतिहासिक जीत की, जिसको लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है माहौल में। हमारे साथ अभी बिलासपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी जो अरुण साहू है वो मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके का माहौल है और एग्जिट पोल को लेकर उनका क्या कुछ राय है। साहू जी बताएंगे, न्यूज चैनलों ने जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाया है उसको लेकर आप कितने सहमत हैं? जिस दिन से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हुई थी उस दिन से मेरा यह मानना था कि जनता में नरेंद्र मोदी जी को लेकर के बड़ा आकर्षण है और जनता स्वयं तय करके बैठी है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और इसलिए जो एग्जिट पोल का नतीजा आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जो सीटें दी है, मुझे ऐसा लगता है कि इन सीटों में अभी और जब नतीजे आएंगे तो उसमें बढ़ोतरी होगी। छत्तीसगढ़ में भी जो एग्जिट पोल 7-8 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से जनता का रुझान और आकर्षण नरेंद्र मोदी जी के लिए था, हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। रही बात बिलासपुर लोकसभा की, तो बिलासपुर लोकसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। आज आप मुंगेली दौरे पर आए हुए हैं, आप देखे होंगे कि काफी उत्साह है बीजेपी में, क्या क्या बोलेंगे इसको लेकर? आप बैनर पोस्टर लगाकर बधाई दिया जा रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे आने के कारण और जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच जाकर काम किए हैं चुनाव अभियान के दौरान, तो जो जनता का रुझान मिला उसी का एक तरह से प्रगटीकरण एग्जिट पोल के द्वारा हुआ है। हमारे अनुमान से थोड़ा जरूर कम है, लेकिन एग्जिट पोल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ये उत्साह होना भी चाहिए। साहू जी, क्या लगता है आपको कि बिलासपुर की जनता जो है प्रत्याशी अरुण साहू को जिता रहे हैं या फिर केंद्रीय जो चेहरा है मोदी जी उनको जिता रहे हैं? निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और इसलिए ये जो मुहर लग रहा है ये नरेंद्र भाई मोदी के 5 साल के कार्यकाल में जनता ने जो महसूस किया कि आज देश में केवल और केवल नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं, देश को सुरक्षित कर सकते हैं, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी हैं। और इसलिए निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं उस पर मुहर है। तो ये थे अरुण साहू जो कि बिलासपुर लोकसभा सीट के बीजेपी के प्रत्याशी है, जिन्होंने जो न्यूज चैनल ने एग्जिट पोल दिखाया है उस पर सहमति जताई है, जिनका साफ तौर पर यह दावा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बन रही है और बिलासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी यानी कि खुद वो जीत रहे हैं। हालांकि ये जो दावा है वो एक दो दिन बाद यानी कि परिणाम आने के बाद साबित हो जाएगा कि क्या है कैसा है। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस। 23 तारीख को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राजधानी में पुरानी जेल स्थित स्ट्रांग रूम में मतगणना होगी, जिसको लेकर पुरानी जेल